हेलो स्टूडेंट, इलेवेंथ की फिजिक्स क्लासरूम में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम लोग इलेवेंथ में फिजिक्स सेकेंड के फ्लो ऑफ लिक्विड चैप्टर को स्टडी करेंगे। मींस फ्लो ऑफ लिक्विड का मतलब हुआ द्रवों का प्रवाह, द्रवों के प्रवाह चैप्टर को स्टडी करेंगे। सबसे पहले इसमें हम लोग लिक्विड को स्टडी करेंगे। लिक्विड माने तरल पदार्थ या द्रव पदार्थ। लिक्विड क्या होते हैं बेटा? लिक्विड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें ग्रेविटी के अंडर फ्लो होने की प्रॉपर्टी पाई जाती है। ग्रेविटी के अंडर फ्लो होने की प्रॉपर्टी पाई जाती है, उन्हें लिक्विड कहते हैं। मतलब वे पदार्थ जिनमें गुरुत्व के अंतर्गत बहने का गुण पाया जाता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? फ्लो ऑफ लिक्विड, सॉरी लिक्विड कहते हैं, तरल पदार्थ कहते हैं। वे पदार्थ जिनमें गुरुत्व के अंतर्गत बहने का गुण पाया जाता है, उन्हें हम लोग लिक्विड या तरल पदार्थ कहते हैं। अब टाइप्स ऑफ लिक्विड, लिक्विड का क्लासिफिकेशन बात करते हैं, मतलब तरल का क्लासिफिकेशन। तो तरल पदार्थ मतलब लिक्विड को दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। कौन से पार्ट में? दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। पहला है नॉन कंप्रेसिव लिक्विड, दूसरा नॉन विस्कस लिक्विड। इसको कहते हैं असंपीड द्रव, आस्यान द्रव। असंपीड द्रव, आस्यान द्रव। अब असंपीड द्रव यानी नॉन कंप्रेसिव लिक्विड क्या है बेटा? असंपीड द्रव इसको कहते हैं हिंदी में। तो असंपीड द्रव क्या? ये एक ऐसा द्रव होता है जिसमें अगर हम लोग प्रेशर अप्लाई करें, एक ऐसा लिक्विड जिसमें प्रेशर अप्लाई करें और उसके वॉल्यूम में कोई भी चेंज ना हो, मतलब आयतन में कोई परिवर्तन ना हो, प्रेशर अप्लाई करें और उसके आयतन में कोई परिवर्तन ना हो, तो ऐसे लिक्विड को हम लोग क्या कहते हैं? नॉन कंप्रेसिव लिक्विड कहते हैं, मतलब असंपीड द्रव कहते हैं। प्रेशर लगाओ और वॉल्यूम मतलब आयतन में कोई चेंज ना हो, तो ऐसे लिक्विड को हम लोग नॉन कंप्रेसिव लिक्विड कहते हैं। अगर चेंज होता है प्रेशर तो उसे कंप्रेसिव लिक्विड कहते हैं, मतलब स्यान द्रव कहते हैं। अगर चेंज हो जाता है प्रेशर उसे कंप्रेसिव लिक्विड कहते हैं, मतलब स्यान द्रव कहते हैं। नॉन विस्कस लिक्विड आस्यान द्रव कहते हैं। क्या होता है बेटा आस्यान द्रव? क्या हो, सुनिए जरा ध्यान से। एक ऐसा द्रव जिसके अणुओं के बीच आंतरिक घर्षण बल का मान शून्य होता है। अणुओं के बीच कोई भी घर्षण बल कार्य नहीं करता है। जैसे द्रव बहता है तो उसके अणुओं के बीच कोई घर्षण बल कार्य नहीं करता, उसे हम लोग क्या कहते हैं? असंपीड द्रव कहते हैं। तो नॉन विस्कस पर हम लोग चल रहे हैं बेटा। तो नॉन विस्कस लिक्विड ऐसा लिक्विड होता है जिसके मॉलिक्यूल्स के बीच कोई भी फ्रिक्शन फोर्स वर्क नहीं करता। यानी ऐसा लिक्विड जब फ्लो होता है तो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच कोई भी फ्रिक्शन फोर्स वर्क नहीं करता, यानी अणुओं के बीच आंतरिक घर्षण बल कार्य नहीं करता, उसे हम लोग नॉन विस्कस लिक्विड कहते हैं, मतलब आस्यान द्रव कहते हैं। अगर फ्रिक्शन फोर्स वर्क करता है उसे हम लोग क्या कहेंगे बेटा? स्यान द्रव कहेंगे, मीन्स विस्कस लिक्विड कहेंगे। अब लिक्विड के फ्लो होने के मेथड यानी द्रव के बहने के विधियां की बात करें तो द्रव के बहने की दो विधियां बेटा, एक स्ट्रीमलाइन फ्लो, एक टर्बुलेंट फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो को कहते हैं धारा रेखीय प्रवाह, टर्बुलेंट फ्लो को कहते हैं विक्षुब्ध प्रवाह। विक्षुब्ध प्रवाह, धारा रेखीय प्रवाह। अब बात आती है स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ लिक्विड यानी धारा रेखीय प्रवाह। धारा रेखीय प्रवाह क्या बेटा? जब कोई लिक्विड इस प्रकार फ्लो होता है, इस प्रकार बहता है कि लिक्विड के सभी मॉलिक्यूल्स होते हैं, लिक्विड के सभी मॉलिक्यूल्स होते हैं एक सिमिलर डायरेक्शन में होते हैं। जब कोई लिक्विड इस प्रकार फ्लो होता है कि लिक्विड के सभी मॉलिक्यूल्स एक सिमिलर डायरेक्शन में होते हैं, तो इस प्रकार के फ्लो को हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रीम लाइन फ्लो, मतलब धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं। और अगर लिक्विड इस प्रकार फ्लो होता है कि उसके मॉलिक्यूल्स डिफरेंट डायरेक्शन में होते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं, भिन्न भिन्न दिशाओं में होते हैं, तो ऐसे फ्लो को हम लोग टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। स्ट्रीमलाइन फ्लो में सभी अणु जो होते हैं एक ही दिशा में होते हैं, टर्बुलेंट फ्लो में क्या होते हैं बेटा? डिफरेंट डायरेक्शन में होते हैं। अब आइडियल लिक्विड क्या होता है? आइडियल लिक्विड क्या होता है? एक ऐसा लिक्विड जो आस्यान और असंपीड, आस्यान और असंपीड दोनों होता है, मीन्स नॉन विस्कस भी होगा और नॉन कंप्रेसिव भी होगा, तो ऐसे लिक्विड को हम लोग आइडियल लिक्विड कहते हैं, आदर्श द्रव कहते हैं। एक ऐसा द्रव जो आस्यान और असंपीड दोनों होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? आदर्श द्रव कहते हैं। थैंक यू।